दार्जिलिंग की सड़कों पर संघर्ष और लाशें, उस पर 93 के 13 लोगों को याद करने के ममता जी के तमाशे। ममता पता नहीं कैसे कर पाती हैं यह दिखावा आज, जबकि कहते बंगाल में बुद्धिमान पढ़ा लिखा समाज। कहती शारदा नारदा में केंद्र सरकार हमें डराती है, पर गरीबों का पैसा किसने लूट खाया यह नहीं बताती हैं। कानून करेगा अपना काम, क्यों मोदी जी को करती हैं बदनाम। मोदी जी आपकी तरह नहीं राज चलाते के बरकती जैसे हैं इतराते, और गरीब मासूम कमजोरों को दंगाई हथियार ले हों डराते। यह नजारा बंगाल में आम है, जब से ममता के हाथों आई लगाम है। अब कह रही भाजपा भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगी, बंगाल से आगे दो लोग भी जुटा पाएंगी। सब देख ही रहे विपक्षी एकता का दम। त्रिपुरा में तृणमूल के 6 विधायकों ने कोविंद जी को दिया समर्थन, इसको देख करो हौसला कि बंगाल में भी समर्थन हो रहा कम। पूरे देश की बात दूर, बंगाल ही अगले चुनाव में तोड़ेगा आपका गुरूर। शायद उनका यह आंदोलन ही बन जाए उनके बंगाल से जाने की वजह और कारण। जनता थक गई, काम करती नहीं आंदोलन करती अकारण। हर दिन तृणमूल की सड़कों पर धमा चौकड़ी होती तमाम, परेशान होते लोग आम, बंद हो जाते रास्ते तमाम। विकास का करती नहीं कोई काम, अन्य राज्य कितना आगे निकल गए, पर बंगाल के लोग ऐसे नेतृत्व के कारण पिछड़ गए। कुछ कम्युनिस्ट कर गए थे बर्बाद, अब ममता आई तो इन्होंने दंगाई छोड़ दिए आजाद। रूपा गांगुली कह रही बंगाल में लड़कियां असुरक्षित, यह हाल है तो ममता जी आपके शासन पर उठने लगे हर ओर सवाल हैं। परिवर्तन के नारे में फिर से आ रहा जोर है, कम्युनिस्ट कांग्रेस हर दिन हो रहे कमजोर हैं। मोदी मोदी की बंगाल में आ रही आवाज, जागृत हो रहा परिवर्तन के लिए बंगाल का समाज। ममता जी अब चुनाव का इंतजार है, आने वाली भाजपा सरकार है, आने वाली भाजपा सरकार है। दार्जिलिंग की सड़कों